नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में आज बात करेंगे बहा में कठिन होती बीजेपी की राह की, सड़क पर पहुंचे साहिबाबाद के संग्राम की, मेरठ में सुनाई दे रहे विवाद के संगीत की, जीतने के लिए हार रहे अनूठे उम्मीदवार की, साइकिल पर बैठने को तैयार रेप के आरोपी की, राहुल गांधी की गरीबी पर तरस खाती जनता की। चर्चा करेंगे सभी खबरों पर विस्तार से, तो शुरू करते हैं राजनीति। पहले और दूसरे फेज की कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी पछोपेश में है। उन सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। कुछ सीटों पे पारिवारिक पेच है तो कुछ पर जाति का गणित। ऐसे में साहिबाबाद का संग्राम सड़क पर आ गया। अब बीजेपी इन सीटों की गुत्थी कैसे सुलझाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। सड़क पर पहुंचा साहिबाबाद का संग्राम, जाति के गणित में उलझी साहिबाबाद सीट। पंकज सिंह के समर्थकों ने किया हंगामा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर हंगामा। साहिबाबाद से आई पुकार, पंकज भैया अब की बार के नारे के साथ पंकज सिंह के समर्थक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर जमा हो गए और पंकज सिंह को गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग की। आपको बता दें कि पंकज सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और उन्हें साहिबाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है और अभी तक साहिबाबाद सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी अभी भी असमंजस में है। शायद गाजियाबाद का जातीय गणित जहन में है, इसलिए अभी भी पार्टी पशोपेश में है। पांच में से एक सीट पर गुज्जर, एक पर त्यागी और एक पर वैश्य को मिला टिकट। अभी साहिबाबाद सीट रिक्त है। अगर साहिबाबाद से पंकज सिंह को टिकट मिला तो तीन ठाकुर उम्मीदवार हो जाएंगे। बीजेपी पहले ही गाजियाबाद की दो सीटों पर ठाकुर उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका देने की सोच रही है। पंकज सिंह को नोएडा से बनाया जा सकता है उम्मीदवार। 149 की सूची में मात्र 11 ब्राह्मण चेहरों को टिकट मिला। साहिबाबाद से किसी ब्राह्मण चेहरे को मिल सकता है मौका। ब्राह्मण चेहरे के रूप में संजीव शर्मा साहिबाबाद से प्रबल दावेदार हैं। आपको बता दें कि साहिबाबाद सीट पर ब्राह्मण चेहरे को मौका देना बीजेपी की मजबूरी नजर आ रही है, क्योंकि एक भी ब्राह्मण को गाजियाबाद जिले में टिकट नहीं मिला है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पंकज सिंह को नोएडा से लड़ाया जा सकता है और संजीव शर्मा की प्रबल दावेदारी को देखते हुए साहिबाबाद से उतारा जा सकता है, जिससे बीजेपी ब्राह्मणों को भी संतुष्ट कर पाएगी। साहिबाबाद की तरह पहले और दूसरे फेज की कुछ और सीटों पर भी बीजेपी उहापोह की स्थिति में है। नहीं सुलझ पा रही बची हुई सीटों की गुत्थी। नोएडा साहिबाबाद कैराना डिबाई बढ़ापुर सीट होल्ड पर बदायूं की सहवासन दातागंज और बिलसी से नहीं उतारे प्रत्याशी। कैराना से सांसद हुकुम सिंह की बेटी हो सकती है उम्मीदवार। बढ़ापुर सीट सांसद सर्वेश सिंह के विरोध से उलझी। मेरठ कैंट सीट पर सिटिंग विधायक सत्य प्रकाश की ज्यादा उम्र की वजह से फंसी। डिबाई सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पसंदीदा प्रत्याशी को मिल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि बची हुई सीटों की गुत्थी कैसे सुलझती है, जहां नेताओं को संतुष्ट करने के साथ ही मतदाताओं को भी खुश करना है और जाति समीकरण सुलझाना भी बीजेपी के लिए जरूरी है, ताकि कोई भी वर्ग नाराज ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। दल बदलों की वजह से बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। बेगानों पर लाड दिखाने से अपने ही बेगाने हो रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जिनसे लड़ाई लड़ी उन्हीं को बीजेपी ने टिकट दे दिया। फिर क्या बीजेपी सांसद की दो साल पुरानी कसक उभर आई और राजा के सामने विरोध का बाजा बजा दिया।
ऐसे में भा में बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही। थाने के कैंपस के अंदर एसओ के सामने हम लोगों और हमारी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आज बीजेपी प्रत्याशी बन गए कल के सपाए, और आज हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, ठीक है, पार्टी की फैसला का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। बाहा प्रत्याशी के विरोध में बीजेपी सांसद, मैं बाहा तहसील में नहीं जाऊंगा। मैं राजा के साथ पर्चा भरवाने नहीं जाऊंगा। एक्शन से नहीं, दल बदलुओं से डर लगता है। पार्टी मेरे खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहे है, मैं उनका आदर करूंगा। बीजेपी जीते या बसपा, सांसद को कोई गम नहीं। राजा निकल जाए बहुत अच्छा, दूसरी पार्टी निकल जाए बहुत अच्छा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं। बड़ी पुरानी है बाबूलाल की कसर, मेरे दिल की कटता है, मेरे दिल की जो सच्चाई है। कैसे भूले 28 अप्रैल 2014 का दिन। राजा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। रानी खुद एसएसपी के यहाँ गई मेरे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने। ये कसर, ये कटुता, ये दर्द ठीक 2 साल पुराना है, लेकिन अब बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला है। जो कल तक सपाई थे आज भाजपाई हो गए, और 2 साल पुराना दर्द चुनावी पवन चलते ही कसक देने लगा। जनवरी की ठंड में अप्रैल की चोट उभरा। जिस राजा को मैं 3 दफे बैंक का चेयरमैन बनवाया, और वो इतनी निजता पे पहुंचने का काम किया, मेरे पर्सनल विरोध में आने का काम किया, इससे ज्यादा घिनौना काम क्या हो सकता है। तो मैं इस वजह से, और आज हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, ठीक है, पार्टी की फैसला का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। ये है फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल, और विरोध कर रहे हैं बाहर से बीजेपी प्रत्याशी रानी पक्षालिका का। सामने दो ही रास्ते थे, या तो पार्टी लाइन पर चलकर पुराने दर्द को दबा जाए, या फिर विरोध में खुलकर सामने आए। बाबूलाल ने साफ तौर पर बाहा में बगावत का बिगुल बजा दिया। मैं बाहा तहसील में नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया है नेतृत्व का, मैं बाहा तहसील में नहीं जाऊंगा। अच्छा, जब प्रत्याशी यहाँ पर्चा भरने आएगा, ऐसे में सांसद और अध्यक्षों को बुलाया जाता, तब यहाँ मैं राजा के साथ पर्चा भरवाने नहीं जाऊंगा, और क्षेत्र में भी नहीं दिखूंगा। नहीं जाऊंगा राजा के बाहा क्षेत्र में, नहीं जाऊंगा। दरअसल बाहर से वर्तमान विधायक और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा रिदमन सिंह चंद रोज पहले बीजेपी में लौटा है। अरिदमन की पत्नी रानी पक्षालिका भी खेरागढ़ से सपा से चुनाव लड़ चुकी है। अब बीजेपी में आते ही पार्टी ने बाहर से पक्षालिका को टिकट थमा दिया, जिसे लेकर बीजेपी सांसद विरोध कर रहे हैं, और साफ कर दिया उन्हें बाहर में पार्टी की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र में नहीं जाएंगे आप, पर्चे में नहीं दिखेंगे आप, प्रत्याशी का सहयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो बसपा वहां से निकल जाएगी। जो मुझे चीज ये मतलब नहीं है, राजा निकल जाए बहुत अच्छा, दूसरी पार्टी निकल जाए बहुत अच्छा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं। दरअसल ये विरोध 2 साल पुराना है। अप्रैल 2014 में जब बाबूलाल बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी थे और अरिदमन सपा सरकार में मंत्री थे, उस दौरान शमशाबाद थाने में बाबूलाल और उनके समर्थकों के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, और केस बाबूलाल और उनके समर्थकों पर दर्ज हुए। आप पर हमले हुए थे, उनमें आरोपी कौन था? उनमें आरोपी थे, शमशाबाद थाने में मैं था, सोनू चौधरी थे, आपके सामने है गवाह, ऐसी क्यों नहीं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। थाने के कैंपस के अंदर एसओ के सामने हम लोगों और हमारी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, हमारे परिवार के लोगों के, हमारे भाइयों के, हमारे भतीजों के खिलाफ इन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। सत्ता का दुरुपयोग इस तरीके से किया राजा ने, रानी खुद एसएसपी के यहाँ गई मेरे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, डीआईजी के पास गई मुकदमा दर्ज। ऐसे में आगरा क्षेत्र में पार्टी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, दोनों सीट शहर क्षेत्र की थी। ऐसे में पार्टी के सांसद ही प्रत्याशी के विरोध में उतर आए हैं, विरोध भी ऐसा कि हार जीत की भी परवाह नहीं। देखना होगा बाबूलाल के बागी तेवरों से पार्टी कैसे निपटती, क्या बाबूलाल पुरानी अदावत भूल पाएंगे, या फिर बगावत पर ही उतारू हो जाएंगे, क्या पार्टी सांसद के विरोध का संज्ञान लेगी,
या दल बदलुओं के सहारे ही सियासत करेंगी। आगरा से शिव चौहान के साथ यदुवीर सिंह, समाचार प्लस। जो रेप का आरोपी है वो सपा के लिए पारस है और सपा वाले उसे साइकिल पर बैठाने को बेताब हैं। पीड़िता सालों से इंसाफ के लिए भटक रही है लेकिन सत्ता के सामने कौन सुनता है। अब जब अखिलेश टिकट घोषित करने वाले हैं तो पीड़िता सीएम के दर पर पहुंच गई और उसकी गुहार है कि रेप के आरोपी को अखिलेश उम्मीदवार ना बनाए। बलात्कार के आरोपी को साइकिल पर बिठाएंगे अखिलेश? क्या बिजनौर में नहीं मिल रहा दूसरा नगीना? 5KD पहुंची बलात्कार पीड़िता, सीएम के दर पर पीड़िता की गुहार। मनोज पारस को मत बनाओ उम्मीदवार। सीएम अखिलेश दागियों से दूरी दिखा रहे हैं लेकिन सपा संग्राम के दौरान दोनों ही खेमों ने बलात्कार के आरोपी को उम्मीदवार बना दिया था। लेकिन अब टिकट बांटने का भार सीएम पर है और पीड़िता गुहार लगाती हुई सीएम के द्वार पहुंच गई और कह रही है कि मनोज पारस को उम्मीदवार मत बनाओ। सभी जी टिकट नहीं होना चाहिए जी, हमारे घर पर, हमारे देहलों पर जी, वापिस हम ये मुख्यमंत्री जी लाएंगे जी, नहीं हम घर पर भी नहीं रहने दे रही है और हम मार मार को हम गांव से निकाल रहे हैं। 10 साल हो गए पीड़िता को दर दर भटकते हुए, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए, लेकिन पूर्व मंत्री मौज में है। सालों से सत्ता की हनक थी, अब टिकट मिल गया तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। पहले भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ लेकिन किसी की हिमाकत जो हाथ लगा पाए। आखिर कुर्सी के आगे किसकी मजाल। इन्होंने मतलब दो आदमी ने उसके साथ में बलात्कार किया और दो आदमी औरतें, उन्होंने दरवाजे लगाए, ये 4 आदमी बाबूजी जी हम पे इतना दबाव डालता है, कभी पैसा का लाली देता है, कभी कहीं का जी बदमाशों भेजता है, तो ये फैसले दे भी बहुत तकड़ी डालता है, तो जी हमने अपना प्रदेश छोड़ कर हम दूसरे प्रदेश में बाबूजी, और हम गन्ने खाने से ही परेशान। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मनोज पारस की प्रताड़ना से आजीज आकर गांव तो क्या बिजनौर ही छोड़ दिया। आखिर पावर के आगे आम आदमी की क्या बिसात। अब फिर से टिकट पाकर माननीय बन गए तो मिल गया न्याय। आखिर सत्ता के आगे सब बौने ही तो हैं। इसलिए पीड़िता सीएम अखिलेश से गुहार लगा रही है कि मनोज पारस को प्रत्याशी ना बनाएं। सभी जी टिकट नहीं होना चाहिए जी, हमारे घर पर, हमारे देहलों पर जी, वापिस हम ये मुख्यमंत्री जी लाएंगे जी, नहीं हम घर पर भी नहीं रहने दे रही है और हम मार मार को हम गांव से निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज पारस पर बलात्कार और अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। 2006 में राशन का कोटा दिलाने के नाम पर मनोज पारस और उसके साथियों ने गांव की ही एक महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के साथ स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की। हमारा बलात्कार का केस है और हमारे दामाद को भी झूठे लाजम केस लगा दिया जी, हमारे जहाँ हम जाते हैं हमारी सुनाई नहीं होती। इलाहाबाद गए थे जी, वो भी 3 वकील हमारे खरीद लिए, हम तो मिलने के लिए गए मुख्यमंत्री जी से, हम तो अपने अन्याय अन्याय चाहिए जी, हम तो प्रदेश निकले हुए हैं, हमारे बच्चों के पीछे भी लगाते हैं घुंडे और हम घर पर भी नहीं रहने दे रहे ना जी, हमारे पूरे मोर्चे बंद हुए पड़े। बाहर गया गया था, इसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जो मनोज पारस नेता है उनके SDM साहब से बात हो गई है और वहाँ उनसे मिल लो। बस अंदर ले जा गए इसने जो कि हमारी SDM साहब से बात होगी 20,000 रुपये की, आप इंतजाम कर लो। अब ये अंदर चली गई, वो अंदर से किवाड़ बंद करके इन्होंने जो बारी बारी से 4 लोगों ने बलात्कार किया। मामला अभी तक कोर्ट में है। कहा जा रहा है कि मनोज पारस ने स्टे ले रखा है। 2014 में जब समाचार प्लस ने इस खबर को दिखाया तो फजीहत के बाद आनन फानन में सीएम अखिलेश ने मनोज पारस को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, लेकिन संग्राम के दौरान मनोज पारस फिर से टिकट पा गए। अब फिर से टिकट ना मिले इसके लिए पीड़िता सीएम अखिलेश से गुहार लगा रही है। लखनऊ से समाचार प्लस के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। नेता भले चुनाव बाद जनता को भूल जाएं, लेकिन जनता हमेशा साथ देती है। गरीबी हटाओ के नारे से लेकर आज तक कांग्रेस ने भले जनता की गरीबी ना हटाई हो, लेकिन एक नौजवान को जरूर राहुल के फटेहाल पर तरस आ गया। राहुल ने फटा कुर्ता दिखाया तो गाजियाबाद के एक युवक ने 100 रुपए का चेक
कुर्ता रफू कराने के लिए भेज दिया। राहुल गांधी की गरीबी पर आया तरस, फटे कुर्ते को देख ना पाया नौजवान, फटे हाल राहुल के लिए सामने आया बड़ा दिलवाला। कुर्ता सिलाने के लिए भेजा 100 रुपए का चेक, अब नहीं निकलेगा फटी जेब से निकला हाथ। सियासतदानों को जनता की फिक्र हो ना हो, जनता को जरूर नेताओं की चिंता है। नेता जनता की गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ नारे गढ़ते हैं, लेकिन जज्बाती जनता नेताओं की गरीबी देख नहीं पाती, खुद को न्यौछावर कर देती है सियासतदानों की सादगी पर। एक रैली में राहुल गांधी ने फटा कुर्ता क्या दिखाया, गाजियाबाद का एक नौजवान सहन नहीं कर पाया और आनंद फानन में 100 रुपए का चेक राहुल गांधी को कुर्ता सिलाने के लिए भेज दिया। माननीय श्री राहुल गांधी जी अपना एक जेब में हाथ डाल के फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश का इतना बड़ा नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी का उपाध्यक्ष, जिनकी दादी ने इस देश के लिए, उनके पिताजी ने बलिदान दिए, तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि उनका कुर्ता फटा हुआ है। तो मैंने सिलाई के लिए 100 रुपए का डीडी उन्हें भेज दिया। ऋषिकेश की रैली में राहुल गांधी बोलते बोलते अपनी गरीबी पर बोलने लगे और कुर्ते की फटी जेब दिखाने लगे। राहुल गांधी का हाथ फटी जेब से बाहर निकल गया। राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, खुद को फटे हाल होने का हवाला दे रहे थे और फटे कुर्ते को पैमाना बनाया और बोले पीएम मोदी के कुर्ते कभी नहीं फटते। मैं देख रहा था यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है, ये देखो मैं यहाँ पे बहुत तो मैं देखता हूँ कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा, नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा, मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं, फटे कपड़ों वालों की राजनीति करते हैं। इसे राहुल की सादगी कहें या सहानुभूति पाने का तरीका, लेकिन लोगों की संवेदनाएं जरूर जुड़ गईं। मुकेश मित्तल नाम के युवक ने कुर्ते को रफू कराने के लिए 100 रुपए भेज दिए। इन 100 रुपयों से राहुल गांधी का फटा हुआ कुर्ता रफू हो जाएगा, फटे हाल कांग्रेस कैसे रफू होगी, ये बड़ी बात है। गाजियाबाद से समाचार प्लस के लिए संजय गिरी की रिपोर्ट। चुनावी चेहरों के क्या कहने, नजर भले चंद चेहरों पर जाती हो लेकिन निर्दलीय नमूने भी कम नहीं होते। मथुरा में मंगलवार को सिर्फ एक नामांकन हुआ, वो भी एक साधु का, और ये इस बाबा का 16वां चुनाव है। 15 बार हार चुके हैं, कहते हैं 19 बार हारूंगा, 20वीं बार जीत पक्की। अजब बाबा की गजब फकीरी, यूपी के रण में उतरे बाबा फक्कड़, मथुरा के मैदान में बाबा का ऐलान। बाबा ने दाखिल किया मथुरा से पर्चा, जीतने के लिए फिर हारेंगे फक्कड़ बाबा। मथुरा से सबसे पहले फक्कड़ बाबा ने भरा पर्चा। इन्हें न हार का गम है न जीत से सरोकार, अगर कुछ है तो 20वीं बार का इंतजार। मथुरा के मैदान में उतर चुके हैं, मंगलवार को पर्चा भी दाखिल कर दिया, लेकिन जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। गुरुजी के आदेश का 40 साल से इंतजार कर रहे थे, जानते हैं गुरुजी का वचन मिथ्या नहीं होगा। जब 20वीं बार चुनाव लड़ेंगे तो जीत का मुकुट बाबा के माथे पर होगा। मेरा यही वादा है कि मैं एक बार अगर जीत जाऊंगा तो मथुरा में ऐसा विकास करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ विकास के संग नहीं चलता है, ये नेता सब झूठ बोल करके विकास करा रहे हैं। सूबे की सियासत में नजारों की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं जिन्हें जीतने की खुद की उम्मीद नहीं है, लेकिन जीत की सीढ़ी तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में जीत सके। मथुरा के मैदान में 73 साल के फक्कड़ बाबा, 16वीं बार चुनाव मैदान में उतरे हैं फक्कड़ बाबा, 8 बार लोकसभा और 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।
जमानत राशि जुटाने के लिए बेच दिए बर्तन और स्कूटी। सबसे ज्यादा 8000 वोट 1991 में मिले थे। अगले तीन चुनाव में भी कर चुके हैं अपनी हार का दावा। 20वीं बार चुनाव जीतने का है पूरा यकीन। इसी उम्मीद में दाखिल कर दिया पर्चा। मैं 15 बार पर्चा भर चुका हूं अभी तक। कितनी बार लड़ने का आपका वो है? 20वां चुनाव जीतूंगा, 20वां तो जीतूंगा। अच्छा, इसी मथुरा में। हाँ, आप जो फीस जमा कर रहे हैं कैसे जा रहे हैं, कहाँ से लाए हैं वो पैसे? 100 रुपया अपनी चेलों से मांग लेते हैं, मुझे 60 वर्ष हो गया ब्रज में। मथुरा में गलतेश्वर महादेव मंदिर के नीचे एक कमरे में रहने वाले फक्कड़ बाबा को रामायण पूरी कंठस्थ है। पूरी जिंदगी रामायण पाठ में गुजार दी। लोग इन्हें फक्कड़ बाबा रामायणी के नाम से जानते हैं। इनकी खास बात है इनका चुनाव लड़ना। 1977 से लगातार चुनाव लड़कर हारते आ रहे हैं और 15 बार हार चुके हैं, लेकिन हार का अफसोस नहीं है, बस गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं ताकि 20वीं बार जब चुनाव लड़े तो जीत सके। लोकसभा विधानसभा में लड़ता हूँ और कुछ नहीं लड़ता हूँ। तो क्या उम्मीद है कितनी बार आप जीत कर किस तरह से रामराज ला पाएंगे? नहीं, मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं सबरे महंगाई दूर करूंगा, सबरे काम हम ही तो करेंगे। फक्कड़ बाबा 20वीं बार जब मैदान में उतरेंगे तो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद को यकीन नहीं है कि 20वीं बार पर्चा भर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन उनके लिए तो गुरु का आदेश ही सब कुछ है। मथुरा से समाचार प्लस के लिए अनूप शर्मा की रिपोर्ट। ये जहां भी जाते हैं विवादों को संग लेकर चलते हैं, और तो और इनके रिकॉर्डेड भाषण, वीडियो, पोस्टर भी विवाद पैदा कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं संगीत सोम की। भड़काऊ भाषण के तो आरोप लगते ही रहे, अब एक वीडियो ने मेरठ में विवाद का संगीत छेड़ दिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने पूरा जोर लगाया, लेकिन इस भय के माहौल को खत्म करने के लिए संगीत सोम की निर्भय यात्रा को रोक नहीं सके। मेरठ में बजा विवाद का संगीत, वीडियो में चुनावी हीरो बने संगीत सोम, एलसीडी में चल रही थी विवादित सीडी, प्रचार के लिए आचार संहिता पर आंच, संगीत सोम के गांव में ही हुआ विरोध। संगीत सोम जब सड़क पर निकले तो उनके साथ हजारों नहीं लाखों लोग थे, प्रशासन के पैरों तले जमीन निकल गई। ये विवाद का संगीत बज रहा है सरधना विधायक सोम की प्रचार गाड़ी में। बीते कुछ दिनों से ये गाड़ी क्षेत्र में घूम रही है। इसके माध्यम से संगीत सोम के विधायक बनने के बाद के राजनीतिक सफर की वीडियो क्लिप एलसीडी पर चलाई जा रही है। लोगों का गुस्सा शांत करें। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संगीत सोम ने न सिर्फ प्रशासन की लाज रखी बल्कि कानून व्यवस्था को संभालते हुए लोगों को शांत कराया। इसमें मुजफ्फरनगर दंगा, विधायक की गिरफ्तारी, खेड़ा महापंचायत, बिसाहड़ा कांड और अखलाक हत्याकांड समेत अन्य मुद्दों की क्लिप भी शामिल है। वीडियो क्लिप में संगीत सोम को हीरो की तरह पेश किया गया है। और वो है संगीत सोम। अगर आज बिसाहड़ा में शांति है तो इसका बड़ा श्रेय संगीत सोम को जाता है। जब ये प्रचार वाहन विधायक के गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने ही इसका विरोध किया और सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर गांव पहुंचकर क्लिप की कॉपी ले गए। प्रचार वाहन पर वीडियो चलाने की अनुमति नहीं थी और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में संगीत सोम के मैनेजर और गाड़ी के ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया गया। संगीत सोम पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लग चुका है। बावजूद इसके बीजेपी ने एक बार फिर संगीत सोम पर भरोसा जताया, लेकिन एक बार फिर विवाद का संगीत बजता सुनाई दे रहा है। मेरठ से समाचार प्लस के लिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान मचा है। नाराज कार्यकर्ता नेताओं के पोस्टर और नेम प्लेट पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मुरादाबाद में क्षेत्रीय अध्यक्ष के आवास के बाहर लगे बोर्ड पर ही कालिक पोत कर गाली लिख दी गई। आखिर कार्यकर्ताओं के विरोध से कैसे पार पाएगी बीजेपी? टिकट बंटवारे पर बटी बीजेपी। गंदी हुई टिकट बंटवारे की सियासत।
नेताओं पर गुस्सा निकाल रहे कार्यकर्ता, नेताओं की नेम प्लेट कार्यकर्ताओं के निशाने पर, क्षेत्रीय अध्यक्ष के बोर्ड पर गोदी कालिक, एमएलसी भूपेंद्र सिंह के लिए लिखे अपशब्द। पहली सूची आते ही बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। बंटवारे से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, इसे लेकर मुरादाबाद में भी महाभारत शुरू हो गई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने एमएलसी और क्षेत्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के आवास के बाहर लगे बोर्ड पर कालक पोत दी और अपशब्द लिख दिए। टिकट न मिलने से कलह गंदी होती जा रही है। मुरादाबाद में भूपेंद्र सिंह के आवास के बाहर लगे बोर्ड पर कालक पोत कर गालियां लिख दी गईं, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर नाखुशी साफ नजर आ रही थी। भूपेंद्र सिंह के शहर से बाहर होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन टिकट बंटवारे की कलह जरूर सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।